नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के रंगड़ी रोड पर। यहाँ पर आरोप लगाया जाता है एक फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी वाले को कैद कर लिया गया है। अंदर हाथापाई चल रही है, 112 की टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेट नहीं खोला जा रहा, 112 की टीम मौजूद है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर भारी हंगामा, आरोप लगाया जाता है कि अंदर एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है, अंदर एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और उसके बाद में आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर गेट बंद है, ताला लगा हुआ है और किस तरीके से। हाँ जी, आधा घंटा हो गया मैं आए हुए, तेरे कहने से क्यों जगह आधा घंटा नहीं हुआ? कहानी बाबू जी ऐसे है, गाड़ी लेके आए थे माल लोड करने, गाड़ी बैक अंदर बड़ी नहीं, ये बात थी, उन्होंने जबरदस्ती करके अंदर ले जाके दो जनों को कुटा, बस यही बात है। और फिर गेट नहीं खोल रहे, तो ताज एमसी ने भी गेट खड़काया है, वो गेट नहीं खोल रहे हैं बिल्कुल भी, और अंदर कुटी जा रहे हैं। किसको पीट रहे हैं अंदर? एक तो पूरन पंडित है जी, एक सोनू है, ड्राइवर है, रावत सर चलते हैं, सरसा से डेली सर्विस है। उनको किस बात पर हुई है? एक मिनट, किस बात पर लड़ाई हुई है भाई जी? बाबू जी गाड़ी बैक कर सकते हैं साथियों, एक फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को बंधक बनाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोप लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर बेफालतू कूट दिया। चलो बाबू जी ठीक है, एक बार रुक जा, वेरीफाई कर रहे हैं, इस तरह बात करने से कुछ कुछ होता ठीक है ना? दूर आरोप आरोप लगाने लग रहा है, बात करने की बात कर रहे हैं। कितनी देर से अंदर कैद है भाई साहब? कितने बंदे हैं? जा रहे ये बाबू जी, एक डेढ़ घंटा हो गया। हाँ जी, ना गेट खोल रहे हैं, अभी आए हैं, ये भी मिले हुए हैं इनसे। कर लग रहे कोई बात नहीं, यार वेरीफाई तो कर लेने दो, कर लो भाई साहब, आप वेरीफाई कर लो, कोई बात नहीं। अरे अरे एमसी है तो केवा गेट खोल, मैं वेरीफाई कर ही देवा एक मिनट में। अरे नहीं तो बात भाई, खुद दारू भी रखती है, ये खुद भी रखती है, दोनों जी आप अंदर जाओ। ये देख सकते हैं साथियों, अंदर गेट खोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन गेट नहीं खोल रहे। ये देख सकते हैं 112 की टीम भी कोशिश कर रही है गेट खुलवाने की, लेकिन यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। सोनू भाई साहब, पुलिस ने भी किडनैप कर रखा, मैंने भी किडनैप कर रखा, हमारी गाड़ी भी किडनैप कर रखी है और हाथा भाई ये कसिया बंडे सब कुछ रख रखा फैक्ट्री वाले ने। 15 चाबी ताला लगा रखा है, ताला लगा रखा है, भाई साहब ताला लगा रखा है, पुलिस के कहने पे भी सेठ गेट नहीं खोल रहा और 15 इनके वर्कर है और सेठ हाथापाई कर रहे हैं। आपको अंदर कैद कर रखा है क्या? हाँ, हमारे को अंदर कैद कर रखा है। अच्छा। ये ताला लगा, आपका मोबाइल दे दो आपको, मैं ताला दिखा देता हूँ, आपका अंदर मोबाइल दे दो, यहाँ से मैं आपके ताले दिखा देता हूँ, इतने बड़े बड़े ताले। मेरे छोटे भाई, बात क्या है, पूरी बात बताएं। यहाँ से छोटा भाई गाड़ी लोड करने आया था, वो लोडिंग के हिसाब से इन्होंने उसको पकड़ा और चोटे मारी उसको, ये गाड़ी चढ़ाने पे, और उससे 10,000 रुपए खोस लिए। और अब भी पुलिस आने के बाद भी पुलिस को भी अंदर ले लिया, 112 वालों को, और ताले लगा दिए। आप मोबाइल दो आपको, मैं ताले दिखाता हूँ, ये सिरसा का प्रशासन है, ताले बंद करके बात करता अंदर कमरे में बैठ के। अब ताला क्यों लगा रखे आप? ताला खोल ही नहीं रहे, हम बाहर आने के लिए फिर भी कह रहे हैं, अभी बाहर आ जाते हैं, आप प्रशासन से बात करो, आधा प्रशासन बाहर खड़ा है, आधी पुलिस अंदर है। अंदर क्यों कर रखे है? गाड़ी को अंदर क्यों? गाड़ी माल लोड करने आई थी। एक मिनट, बात क्या हुई थी? ये लोड करने आई, उसके चक्कर में लोडिंग के हिसाब से लेबर से लड़ाई होगी इनको। किस तरीके से यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, आसपास के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से 112 की टीम है वो भी आ चुकी है और आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी। आप देख सकते हैं किस तरीके से, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फैक्ट्री के बाहर यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो चुके हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि अंदर एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक व्यक्ति को अंदर घेर लिया गया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं 112 की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। कब की बात है भाई साहब? ये
वही है मजा को यहाँ पे। ठीक है जी, हमने आगे इनसे बात की, रामकिशन भाई साहब एमसी साहब ने बात की भी गेट खोल दे आप इनसे बात कर लेंगे ना, अगले गेट को अंदर से गाड़ी गलौज कर उनके मार रहे हैं जी वो। ठीक है ना, अभी एक डायल 112 को कॉल किया घंटा इन्होंने जिदम जिदाई के लिए, अभी आपके सामने गेट नहीं खोल रहे हैं। अरे मैं तुम्हारी को नहीं, अभी मैं तुम्हारी को नहीं, मैं मारा ना जो देखिए तू हाथ को, अरे दो बंदा 15 आदमी का हाथ मोड़ दिया। पूर्ण है जी, पूर्ण शर्मा जी, ठीक है जी, एक वो सोनू वर्मा जी, उन दोनों भाइयों को मार पीट रहे हैं, अभी तक बंद है, उनको निकाल नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं सुन रहे, अब ये पुलिस वाले हैं, इनके कहने पे गेट नहीं खोल रहे, क्या पता इनकी कोई बात हुई है, क्या पता है, हमें कोई नहीं पता जी। ठीक है जी, और ये अब पड़ोसी भी कह रहे हैं उनके मार रहे हैं, और कोई भी नहीं छुटा रहे जी उनको, अभी तक गेट खोल रहे या तो हमारा बंदे बाहर निकाल दे और पुलिस कार्रवाई हो उन पे जो भी है। कितने बंदे हैं आपके अंदर? हमारे दो बंदे जी अंदर मौके पे जी। ठीक है, और 15 लेबर है जो, दो सेठ खुद है जी वो जी, और अभी मार रहे हैं जाता भाई कर रहे हैं वो, देखते हैं जी गेट खोलने के बाद ही है जी, या तो गेट खोल। कारण क्या है, पिटाई क्यों की जा रही है? गाड़ी उन्होंने कहा जी बैक कर दो गाड़ी को। ठीक है, उन्होंने कहा भाई लोड है गाड़ी, बैक नहीं होती, 10-15 कुकर यहीं डल जाएंगे। उन्होंने गाड़ी ग्लोच कर दी और वो हाथापाई करने जी, उनसे राड वगैरह पड़ी है वो मारी है जी उन भाई को जी। ठीक है जी, उनका फोन आया, डंडे से पिटाई की दोनों भाई को बांध के। ये देख सकते हैं साथियों, फैक्ट्री है, फैक्ट्री बंद फैक्ट्री है, और डायल 112 की टीम भी मौके पर मौजूद है, और आसपास के लोग भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, और अभी तक फैक्ट्री का गेट नहीं खोला गया, और अंदर से आवाज आ रही है कि ताला बंद है और हमें पिटा जा रहा है, ये अंदर से आवाज आ रही है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सिरसा के रंगड़ी रोड पर ये मामला चल रहा है पूरा, और एक फैक्ट्री है वो बंद है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार यहाँ पर जारी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ ड्रिंक रखे भी, आप ड्रिंक रखे, आप कर रहे हैं अपने के लेना है, कानून आम आदमी पे लागू है, करे कानून, बाकी सब छूट है, क्या तो बड़ी बात है। कोई बात हो गेट खोल, तू बात कर भाई, कोई गलती हुई है, कोई बात हो नहीं। कब से कैद कर रखी है, कितनी देर? इनको 2-2.5 घंटे हो गए जी, 2 घंटे तो हमें हो गए आए को यहाँ पे। हाँ। उनसे पहले की गाड़ी खड़ी है और गाड़ी लोड हो रही है। हाँ। ठीक है जी, हमें कम से कम 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गया, गेट नहीं खोल रही है। तास एमसी ने कई बार कहा गेट खोलो, इन्होंने गेट नहीं खोला है। हाँ। और जबरदस्ती ले जाके अंदर कुटा है। और जितनी फैक्ट्री की लेबर है, खुद सेठ है, एक नेटू के सेरा है, एक उसका लड़का है। नहीं, आपको क्या पता अभी अंदर पिटाई की जा रही है भाई जी, फोन आयो स्पेशल है, गलो दिखाई है, अभी कुटन लाग रहे हैं, मनाओ थे जदि आया माम, नहीं तो माना सपनों थोड़ी आओ, उरे रोक रखे है, कोई घरा बैठा ना तो फिर लाग गया कोई नहीं। हमने आगे ये बोले जी भी गेट खोल, तू कोई गलती है तो बात तो हुए, बात पता तो लगे क्या बात हुई है क्या नहीं। अगले गेट ही नहीं खोल रहे, कहते जो होता है कर लो तुमसे। अब ये देख सकते हैं गेट खुल गया है। हाँ जी, हाँ जी, क्या मामला है? वो बताएंगे जो लड़के बताएंगे। क्या मामला है? वो जी ये गाड़ी लेके आया था सामान लेने के लिए। हाँ। और ये कोई बेक बाग लगाने का चक्कर था, ये तार टूट गया, इसमें ये लड़के बदतमीज बोलने लगे। हाँ। और उसके बाद हाथापाई इन्होंने की है। हाँ। जब इन्होंने उसने फोन मार के बुलाया। हाँ। तो इन्होंने अंदर से लॉक करके फिर मतलब मारा पीटी, बस इतनी बात थी, बाकी बाद में पुलिस आगे खुलवाया है। अब क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है? अब अंदर वही चल रहा है जी, जा नहीं रहे, हमारा कसूर क्या है, ये है वो है, बस यही कर रहे हैं, बस इतनी बात है। कितना पीटा गया? पीटा तो थप्पड़ मुक्की मारे हैं जी। हाँ। वो चलो उस टाइम आ गए हम, जो हाँ, वो कसी डंडे नाले चक्के ना कसी कसी। हाँ। जब आ गए हम, ज्यादा कौन मारी जगह अंदर तुम आई अंदर। हाँ। नहीं फोन मिला ला रहे, कदे सेठ ने बुलाओ, कदे जी कोई ना मिलाऊं, कदे जी मैंने शेतिया साहब ने मिलाऊं। अरे तो मैं तू जाने गए यार, तू मतलब फैक्ट्री को मालिक हो गलत काम क्यों करो? है फैक्ट्री को क्या काम, मालिक है भी, चलो मालिक है या कुछ भी है, गलत काम तो ना करो यार। ये देख सकते हैं साथियों किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। अब अंदर क्या चल रहा है जी, और क्या चल रहा है अंदर? उनको लेने की बात चल रही है जी। अच्छा। भाई चलो सदर थाने में। ड्राइवर की उनकी गलती है क्या? कोई नहीं, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है जी।
फिर क्यों बंधक बना रखा है? इनकी लेबर की गलती है जी, उसी एक मतलब कारण बंधक बना रखा उन्होंने। इनकी जी हर साल में एक दो बार होती है किसी से न किसी से। पहले भी वो गैस वालों के साथ झगड़ा हुआ था इनके, उनके साथ भी मारपीट की थी इन्होंने। बाद में वो आके कार्रवाई करवाई, फिर इन्होंने माफी मांगी थी जी, फैक्ट्री बंद रही थी। इनके महीने में दो महीने में होती रहती है किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। हाँ पहले भी काफी बार हो चुकी है। ये वो गोलू बता रहा था उनके साथ, गगन है उनके साथ हुआ था इनका झगड़ा। लेबर को सिर पर चढ़ाया हुआ है, सेठ भी ऐसा है, ड्रिंक कर लेते हैं और मारते हैं आने वाले ड्राइवर को। अब देखते हैं जी, हमें तो पता जब भी लगेगा गेट खोले गेट ना खोले तो हमें अपने को क्या पता जी कितना मारा कितना नहीं। वो तो आप गेट खुलाओ जी और पुलिस वाले गेट खुलाएंगे देखेंगे। रोड वो सामने पड़ी है, ये देख सकते हैं साथियों किस तरीके से यहाँ पर आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। फोन उठा के बात करिए, ये देख सकते हैं साथियों डायल 112 की टीम भी यहाँ पर मौके पर आ चुकी है। हाँ जी, डायल 112 की टीम भी यहाँ पर मौके पर आ चुकी है। दो दो डायल 112 की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर आ चुकी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। और अब गेट खुलने का इंतजार है कि आखिरकार कब गेट खोला जाएगा, आखिरकार क्या बातचीत हो रही है अंदर। और इसके साथ साथ आरोप लगाया जा रहा है कि इनके साथी को अंदर कैद कर लिया गया है, अंदर कैद कर लिया गया और अंदर पिटाई चल रही है इनका, ऐसा आरोप है। और इसके साथ साथ इनके जो एमसी है रोहतास वर्मा जी, उनसे भी फोन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो अंदर गए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या है क्या। चलो बिना हो जाओ भाई, क्या बात होगी थोड़ी गाड़ी बैक कर ले, थोड़ी बैक कर ले। हाँ जी आ जाओ यारो भाई साहब, क्या चल रहा है भाई साहब अंदर। हेलो हेलो आ जाओ यार, खोलो लाइव चल रहा है, चलो यार खोलो। ये देख सकते हैं साथियों गेट खुल गया है। हाँ जी क्या चल रहा है भाई साहब? हाँ जी लाइव चल रहा है, क्या चल रहा है भाई साहब? अंदर ये अंदर अंदर दो बंदा ने तो भाई साहब किडनैप करेगा। आप आधे घंटा पहले तो मैं आया, गेट खटखटाए, ताड़ो लाग रही अंदर, बे अंदर भांगा मारा जी, बाने के भाई जी मारा मारा लाग रहा है। मैं उरा पांच छह जना आया, मैं बोले भाई साहब गेट खोल दो, क्या गेट आओ पुलिस खोलेगी गेट आगे। मैं फटाफट 112 पे घंटी मारी है जी, या ना बुलाया मुलाजिम मौका पहुंच गया, बैंक बाद में एक गेट खोलो है ठीक है जी। अब अंदर ये बन रहे साहब पुलिस का, मैं कुछ कौन करूं, मैं तो बाद में आया, मैं आया जब जी ताड़ो लाग रहे हो सेठ को छोरो और लेबर अंदर थी, थोड़ा कसी उरा रख रखे भाई जी। और जो भी है वो कैमरा वीडियो फुटेज में आ जाएगा, जो सच्चाई है बनी बनाई बात करने कोई फायदा होगा ना, बनी बनाई बात करा जी। अंदर कैमरा फुटेज है, बे डिलीट ना हो, ये भाई पिसा रहे, ये कुछ भी करवा भी सके। हमारी यही निवेदन है प्रशासन से कि सख्त कार्रवाई हो यहाँ खिलाफ, गरीब आदमी है, गरीब आदमी घटना पिटा गया, बताया बातचीत हुई है, थप्पड़ मुक्की करी है जी, एक जेब से कह रहे पैसे भी निकले हैं, चार बंदे जी मुक्के मारे हैं जी, मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे हैं, पैर पूरे पकड़े जी इन्होंने, फिर जाके कोई बात हुई है। पैर पकड़े हैं, वो गलती मान रहे हैं? नहीं नहीं, वो लड़के हाथ जोड़ के पैर पकड़ने को तैयार हो गए, भैया हमें जाने दो, इन्होंने आगे से ताला लगा दिया जी। अब क्या बातचीत, गलती क्या थी लड़कों? गलती तो ये थी जी, वो कह रहे थे जी गाड़ी ब्रेक करके लगाओ, ये कहते जी लोड गाड़ी है मेरी ब्रेक नहीं होगी, इसी के लिए वो कोई बदतमीज बोला, उसी बदतमीज वो बोला ना, तो इसने कुछ बोला भाई हम क्यों हम अपनी गाड़ी वापस ले जाते हैं, इस बात के ऊपर इनकी बेसाबूसी हुई है और हाथापाई करी है जी इन्होंने। तो अंदर गेट बंद करके कैद करके इस तरीके से पीटना कहीं ना कहीं कानून बिल्कुल बिल्कुल ही है जी, ये तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है जी, ताले लगे हुए हैं जी। हम 15 मिनट तक हमने पहले ही वीडियो बनाई है, बाद में आपको भी कॉल किया है, प्रशासन को भी कॉल किया है, प्रशासन का 15-20 मिनट तक यहाँ के पड़ोसी आए हैं, इनको पड़ोसियों को बोला, इन्होंने आवाज लगाई है, मैंने आवाज लगाई है, मैं एमसी हूँ भाई साहब आप गेट खोल दो, कोई बात नहीं, हम पांच आदमी थे, हमारे यहाँ ढाणिया हमारे परिवार रहते हैं जी, उनको बुलाया, इनके दोस्ती हैं, तब भी नहीं खोला इन्होंने, अपनी मन मर्जी कर रखी है, अब बन रही दूधिया धुले अब बन रही है जी। तो अब अंदर क्या चल रहा है अब जी, उनको लेके अब सदर थाने में जा रहे हैं पुलिस मुलाजिम, उन्होंने कहा आप भी सदर के अंदर जाओ, अपनी दरखास्त वगैरह लगाओ, कार्रवाई करो। कसूर किन गया है भाई साहब? हाँ जी कसूर तो अब अंदर आ रहा है, लेबर आ रहा है ज्यादा देखे, सेठ का क्या कसूर है? सेठ आगे सेठ ने तो भाई ताला लगवाया है, सेठ ने ताला लगवाया जी, और सेठ के लड़के ने हाथ पकड़े उसको भूखे धक्का दिए।
वो तो कैमरा में बताओगे जी सेठ का कसूर लेबर वाले रहते हैं भाई जी सेठ यो क्यों कसूर को नहीं तालो मार दियो सेठ यो कसूर ही को नहीं फैक्ट्री का में इतना बड़े मारता तो सेठ कोई है को नहीं मतलब सेठ तो कहते लेबर कूट दियो है और सेठ कोई कसूर को नहीं मैं कहता ये जो अगला ये साइड में हो जाए पांच आदमी आगे कोई मार जाए मारो कोई कसूर ही को नहीं अब ये जनता है ओपी सार है जदी तो ना जदी रोबे बने धमकी देने लाग रहे अंदर इन्होंने एक खोल ही नहीं रहे जी ताले नहीं खोल रहे पुलिस के बार बार पुलिस के बार बार कहने पे ताले नहीं खोल रहे जी ये खोल ही नहीं रहे ताले कहते चाबियां गुम होगी ये कहते हम बदमाश हैं बहुत बड़े शहर के मान्य तने पुलिस के कहने पे ना ताले खोल रहे एमसी साहब ने भी रिक्वेस्ट कर ली एमसी साहब को एक छोटी खिड़की खोल के बाहर निकाला बस ना बड़ा ना और अब आपको कैद कर रखे है क्या अंदर हाँ छोटे भाई को कैद कर रखा हमारे को भी कैद कर रखा है उसको लेकर ये रहा जी इसको कैद कर रखा है सब आपके साथ बताओ ये गाड़ी में माल लोड करने आए थे ये कहते हैं यहाँ से गाड़ी घुमाओ लोड गाड़ी घूमती नहीं है ये कहते हैं हम वो मैं ड्राइवर हूँ मैं घुमा दूंगा मैं भाई मैं मेरी गाड़ी नहीं चलाने दूंगा ऐसे हाथ भाई होगी ठीक है ये कहते हैं मैं ले ना लोड कराऊ हमारी बाहर निकाल देते हैं गाड़ी ये कहते बाहर नहीं है जिन्होंने ताला लगा दिया जी और मारने लगे ये रोड़ा हो गया पिटा गया आपको हाँ पिटा है जी कितना पिटा ये शर्ट पार दी या माथे मारी है जी पैसे निकल गए 5,000 रूपए और ये कस्सी और थोड़े बड़े हैं ये कितने लोगों ने पिटा ये सारे तो वैसे तो 20 जने थे जी मारने वाले 5-6 जने थे जी अच्छा कितने जने थे मारने वाले 5-6 जने थे ये देख सकते हैं साथियों जिसके साथ पिटाई हुई है वो खुद बोल रहे हैं कि 5-6 लोग थे उन्होंने पिटा है और गेट बंद कर करके पिटा है जचा जचा कर पिटा है साथियों इनका आरोप है और इसके बाद डायल 112 की टीम आ जाती है और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं आप देख सकते हैं साथियों आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं डायल 112 की टीम दो गाड़ियां डायल 112 की दो गाड़ियां भाई साहब यहां पर आ चुकी है और इसके साथ साथ आसपास के लोग आ जाते हैं पूरी कहानी तो आखिरकार गेट खुलने के बाद पता लगेगा लेकिन जिनके साथ जो आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ पिटाई हुई है वो कह रहा है कि मेरे साथ पिटाई हुई है और 15-20 लोगों ने मुझे जमकर पिटा है सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अब गेट खुलने का इंतजार है आखिरकार गेट कब खुलेगा केस को नहीं बनवाना चाहे भाई ये देख सकते हैं गेट खोला जा रहा है ये देख सकते हैं सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गेट को खोला जा रहा है अब देख सकते हैं गेट को खोलकर किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लोगों को लेकर जाया जा रहा है गेट खोलकर अलग अलग लोगों को लड़कों को जिन्होंने मारी है ना उनको तो इन्होंने बजा दिया ये बता ही नहीं रहा सेठ और सेठ कहता मैं बदमाश है मेरे लाखों रुपए लग जाए पुलिस को तो मैं मिनट में खरीद लेता हूँ ये इतना लेकिन प्रशासन बढ़िया है इनको ये देख सकते हैं डायल 112 की टीम वहां पर लोगों को लेके जा रही है और अशोक जी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं अशोक जी क्या मामला है पूरी कहानी क्या लाइव चल रहा है जी पूरी कहानी क्या बताएं अशोक जी मेरे को डायल 112 पे सूचना मिली कि एक कुकर फैक्ट्री है रंगली रोड पे इसमें कोई शरारती तत्व है इन्होंने आके मेरी फैक्ट्री पे झगड़ा किया है जो हमारे को फैक्ट्री मालिक है उसको हमने काबू कर लिया है और जो इनके कारिंदे थे जिनके साथ झगड़ा हुआ है उनको भी बैठा के हम दोनों पार्टी को फैक्ट्री मालिक को और झगड़ा करने वाले भी दोनों अरेस्ट कर लिए हाँ जी दोनों पार्टी को हमें सदर थाना सिरसा ले जा रहे हैं आगामी कार्रवाई थाने में ले जाने के बाद करी जाएगी गलती किसकी लग रही है मैं देखो जी वहाँ जाके जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद मैं बताएंगे ये देख सकते हैं साथियों दोनों पक्षों अंदर से ना आप और देखो कस्सी और डंडे कस्सी डंडे दिखाता हूँ आपको गेट इसलिए बंद कर दे ज्यादा हंगामा ना हो ऐसे कुछ नहीं होगा चुप रहे देख सकते हैं साथियों यहाँ पर मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है
किस तरीके से फैक्ट्री में आरोप लगाया जाता है कि एक व्यक्ति को बंधक बना लिया गया और उसके बाद में यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है और डायल 112 की टीम आती है और दोनों पक्षों को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार हम फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल कहता है कि हम फैक्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं, प्रोटोकॉल कानून के हिसाब से चलते हैं, इसलिए हम किसी फैक्ट्री किसी प्राइवेट जगह पर हम अंदर नहीं जा सकते। अब इसकी गाड़ी आप देख सकते हैं, अब इस व्यक्ति की गाड़ी को निकालने का काम किया जा रहा है, लगातार 3 घंटे से इसकी गाड़ी को निकालने का काम किया जा रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम हंगामा हुआ है, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है और डायल 112 की टीम भी यहाँ पर नजर आ रही है। डायल हाँ जी, अब क्या हुआ है? अब वो गाला गलौज कर रहा जी, हत्थापाई कर रहे हैं मेरे साथ, वो पता नहीं कौन है, ऊपर देखा तो तेरी माँ चोद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से लाइव चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, सदर में जा रहे हैं जी दरखास्त देने के लिए, भाई कार्रवाई करवाएंगे जी जो भी होगी उचित कार्रवाई। वो दूसरे फैक्ट्री वाले भी आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर? नहीं जी, अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने, इनके पक्ष वाले हैं जी, वो कह रहे हैं हम सुबह देख लेंगे जी आपको सभी को, धमकी दे रहे हैं जान से मारने की जी, कहते हैं हम सुबह कुछ भी कर सकते हैं। अब आपसे से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें। बाजार के आदमी बुला लिया और मारने की धमकी और दे रहे हैं, जो इनके भाई और इनके जो रिश्तेदार आ गए हैं वो अब हमारे को कहते देख लेंगे सुबह, ठीक है हर चीज का वो कर रहे हैं जी। 3 घंटे से गाड़ी, अब पुलिस प्रशासन ने आके मदद हमारी की है तो ये गाड़ी निकली है, नहीं तो गाड़ियां अंदर और दो लड़की करने क्या आई थी यहाँ, इनका 5-4 जैसे कुकर के नग जाते हैं रावत सर के, वो लेने आई थी गाड़ी, लेने आई तो गाड़ी अंदर जैसे ये चढ़ाई है तो सीधी लगती है, इन्होंने कहा वो घुमाओ गाड़ी, घुमाने के चक्कर में इन्होंने बोला भी गाड़ी नहीं घूमेगी, गाड़ी में और माल था, उसके कारण इन्होंने हाथापाई कर ली और गाड़ियां, जो सेठ का लड़का आया उसने आते ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिया और कस्सी का डंडा उठा लिया, उसके बाद इनको चोटे मारी और इनसे पैसे छीन लिए, लगभग 5-7 हजार रुपए जेब में थे, वो लेबर वालों ने लिए, सेठ ने लिए, जो इनके पास इन्होंने छीन लिए। मैं तो बाद में हूँ, अब क्या बताए, क्या लग रहा है आपको, कैसे क्या लग रहा है, क्या था, हाथ था तो कोई मामला, आप कैमरे ही कैमरे चला लो, आप जो कैमरे ही कैमरे चलाओ, ये सेठ कैमरे नहीं, क्या पता किसी गलती, अब तो कैमरे देखेंगे तोड़ देखेंगे, कह रहे गाड़ी को बैक कर रहे थे, किसी के लगी है लगी कुछ नहीं जी, गाड़ी तो बैक ही गाड़ी नहीं, वो कहता है बैक करो, हमने बैक करी नहीं जी, मैंने जी लोड गाड़ी बैक नहीं होगी जी, गाड़ी यहाँ लोड करना है कर दो, हम चले जाएंगे, ना लोड करो हमारे कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। अगलों ने गेट लगा दिया, अगले कहते हैं आपने दारू भी रखी है, हम आ रहे हैं अगर दारू भी रखी है मेडिकल कटाओ, और यहाँ इनके सेठ करो लेबर, ये मेरी बुरसेट बांट दी जी, ये हमारी है, अब सेठ आके मेरे को कह रहे दारू पे मेडिकल करा लो जी, हमारे सारे को किसी ने ड्रिंक वगैरह कोई भी नहीं, हमारे मेडिकल कराना करा लो, या अब सेठ का और लेबर का अंदर से मेडिकल कराओ, सेठ तक ने दारू पी रखी है, दारू पी के इन्होंने मारी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ड्राइवर हूँ जी, सेठ आके मेरे मुंडे गुंडो को नहीं, 200 आदमी बुला लूंगा अभी, मैं गेट बंद करो, वो कहते हैं मैं हाथ से खरीद लेता हूँ, ये तो हमारी जो 112 डायल ने आई है उन्होंने मदद की है, उसके कारण ये गाड़ी बाहर निकली है और हम बाहर आए हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरा पक्ष का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया और प्रोटोकॉल के अनुसार हम फैक्ट्री के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम अंदर नहीं जाएंगे और प्रोटोकॉल हम प्रोटोकॉल का हमेशा से पालन करते हैं और इसके साथ साथ दूसरे पक्ष का इंतजार रहेगा कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।